हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। डॉक्टर आनंद सर के बारे में बताना चाहूंगा। डॉक्टर केशव आनंद सर प्लीज। डॉक्टर साहब यहाँ दीपाक्षी हॉस्पिटल के ओनर हैं, सीएमडी दीपाक्षी हॉस्पिटल, जहाँ मैं डॉक्टर साहब के साथ बहुत लंबा टाइम एलोपैथी फील्ड में सार के साथ रूबरू होकर काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्ति हुआ। ऐसे कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैंने काम किया, पर आज मैं डॉक्टर साहब को स्पेशल बुलाने का ये मकसद मेरा है कि सर आप एक एलोपैथी एमडी डॉक्टर हैं और एक हॉस्पिटल चला रहे हैं और लगभग डॉक्टर साहब 25 साल हो गया आपको हॉस्पिटल चला, 25 ईयर्स हो गया। यहाँ का पुराना हॉस्पिटल है नोएडा का और मैं लगभग 16-17 साल से डॉक्टर साहब से जुड़ा हुआ हूँ और खाली जुड़ा नहीं हूँ, मैं दिल से जुड़ा हूँ। डॉक्टर साहब को बुलाने का क्या मकसद, मुझे पूछे डॉक्टर साहब तू मुझे क्यों वहाँ रिबन कटवा रहा है, मैंने ये जवाब दिया आप मॉडर्न मेडिसिन से तो जुड़े हुए हैं मगर कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव मेडिसिन को, कम्प्लीमेंटरी मेडिसिन को हमेशा प्रमोशनल बातें बोल रहे हैं, इसलिए डॉक्टर साहब आपके यहाँ से रिबन कटवा रहा हूँ। एक नंबर दो, नंबर दो है कि एक अप्रोच कि ये चीजें आगे जानी चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं लोगों को सामने लाएंगे जो इस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं तहे दिल से, ऐसा नहीं कि सुपरफिशियली। तो सार को मैं गुलदस्ता देके इस प्रोग्राम का उद्घाटन किए। सर प्लीज बैठ। मेरे और एक मित्र हैं, मैं इनको भी आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। आप जब भी मेरा YouTube चैनल देखते होंगे उसमें एक आवाज आती है, एक पहले का आवाज आती है, बुलंद आवाज कि अस्पताल में हम कम से कम जाएं या फिर हम होम रेमेडीज लेके उसको मेंटेन करें। वो आवाज है मिस्टर देवाधामी, ये उत्तराखंड के फिल्म एक्टर भी हैं और इनके एक पिक्चर ऑलरेडी रिलीज हुई है और दूसरी पिक्चर अभी मंगल वो अभी रिलीज होगी, उसके भी प्रोडक्शन चल रही है। तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उनका प्रोडक्शन हाउस हिल्स वन, ये हमारी जितनी यूट्यूब आप देख रहे हो ना वीडियोज, उससे मेजर ऑफ द वीडियोज को इन्होंने बनाते हैं, इनका प्रोडक्शन हाउस बनाते हैं। तो मुझे ये लगा कि वो इंसान जो वो आवाज दे रहा है शुरू में तो वो बोल रहे हैं बाद में तो मैं बोलता हूं, वो आप लोगों से जरूर मुखातिब होनी चाहिए। तो दूसरा गुलदस्ता उन्हीं को देके मैं उनकी स्वागत करता हूं। डॉक्टर दरवेश, who is with me for the last so many years, almost 2 decades. So he, you is a very good friend, very good clinician. He has taken whatever this vision India. So he is doing lot of for that. He is helping poor people. He is giving much discount to everyone. So this is a great thing. Allopathic medicine, I am in allopathic. At the same time, I have much belief in alternative medicine also. So now you will see that most of the patients, they are fed up with the allopathic. They are moving towards the alternate medicine. So in that, physiotherapy, acupuncture, acupressure, these are the more important, getting more importance now.
day by day you will find this will be a great thing in coming this years. So I only say that you will have to work hard for this. So this will become one of the national and international level. So it can be of that level. Thank you. डॉक्टर साहब एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं आपको. मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक एमबीबीएस डॉक्टर के नाते आपने इतना साल सर्विस दिए लोगों को, इतने सारे लोग आपके हॉस्पिटल में हर रोज एडमिट होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, क्या के लिए हमें आज अल्टरनेटिव चीजों की वाकई जरूरत हो पड़ी है, और क्यों हम इसके तरफ जानी चाहिए और प्रिकॉशनरी इसका इस्तेमाल जरूर करनी चाहिए जब तक हमारी वो लेवल नहीं पहुंची है, जैसे एक्सीडेंटल हो गया, ट्रॉमा केस हो गया, अगर कोई एकदम इमरजेंसी अगर आती है तभी एडमिट होनी चाहिए, अदरवाइज अपनी प्रिकॉशंस, अपनी हिफाजत थ्रू अल्टरनेटिव मेडिसिन करनी चाहिए. प्लीज. हाँ, ये बात ठीक है. जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन आजकल बहुत इम्पोर्टेंट होनी है एंड इट इज देयर और है भी ये इम्पोर्टेंट. जब तक हम अगर प्रिवेंशन करें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो बोलते हैं जैसे, तो प्रिवेंशन ही चीजों से जो अल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे योगा हुआ, ये एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी, वन कैन गो फॉर ऑपरेशन. या तो ऐसा है जैसे किसी के बैकएक है, कंटिन्यूअस बैकएक चल रही है, वो तो बोल देंगे ऑपरेशन कराओ एकदम, पर ऑपरेशन का बाद में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए दैट दे डोंट नो. एक बार खराब हो सकता है, वो खराब हो जाता है, फिर क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर और उसके खराबी होगी. तो इसलिए लोगों के अभी ज्यादातर मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि बेटर है पहले ये हम अल्टरनेटिव मेडिसिन को देखें. तो वो गाथा का एक शब्द यहाँ जरूर शेयर करें प्लीज. थैंक यू प्रकाश. इट्स अ ग्रेट फीलिंग यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल फंक्शन एंड सी आई विल स्टार्ट विद द वंडरफुल लाइंस इटसेल्फ. व्हेन वी ट्रूली डिजायर समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर इन हेल्पिंग अस अचीव इट. दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इन एंड दिस मैन मिस्टर डॉक्टर दरबेश He has proved it. So once again, round of applause for him. See, I mean, वो कहते हैं ना कि भाई आप जब जिद्दी होते हैं तो जिद्दी भक्तों के आगे भगवान झुकते हैं. तो सर ने वो प्रूव किया है और कहीं ना कहीं हमारे लिए इंस्पिरेशन है. और आप सब एक उम्मीद से यहाँ पर हैं, तो आपकी उम्मीद जहां आप लेके जा रहे हैं उसका मैं आपको वादा करता हूं वो पूरी होगी. और आप हमारे कई सालों से मित्र हैं और हर दिन, हर महीने, हर साल हमें कुछ ना कुछ कहें कि इंस्पिरेशन या कुछ नई बातें आपसे जरूर शेयर करते हैं और वो करते रहेंगे. और लाइफ इज ऑल अबाउट यू नो चीजिंग योर ड्रीम्स एंड आप लोग आए हैं तो आई वुड not be able to say technical these medical things because experts yahan par baithe hain to kini shabd sir ne kaha tha do shabd zyada ho gaye but thank you. Thank you. Main madam kahan hai? Yashika hai? Ha, she's there. Aiye aapko thoda se aadha minute lagega. Ye inki inspiration hai हमारे देवधामी साहब की. तो एक दूसरे को मैंने अभी एक तो वीडियो डाला हूं कि अपनी वाइफ का ना अगर इज्जत हम कर सकते हैं ना, प्यार तो सब लोग करते हैं, इज्जत मैं इज्जत करता हूँ, कोशिश तो कम से कम करता हूँ करने की. सर आपने इज्जत की बात की, मैं कर पी लकीर के फकीर बन के पढ़ाई करेंगे. पढ़ाई तो ऐसे ही, पढ़ाई तो मैं 5 घंटे में चाहूँ तो आपके दिमाग में कोटी कोटी शब्द भर दे सकूँ. सवाल उसकी नहीं है, सवाल दिल तक जानी चाहिए हर चीज
और एक खुशनुमा माहौल में हम लोग पढ़ेंगे और 12 घंटा हमने समय सोचे हैं बिताएंगे तो फिर बिताएंगे। उसके साथ साथ ये जो छोटे छोटे मैसेज, चाहे तो काली मिर्च का वीडियो को मैं 3 मिनट में भी समाप्त कर सकता हूँ, उसको 15 मिनट खींचने का कोई मतलब नहीं। 15 मिनट इसलिए 12 मिनट एक्स्ट्रा बोला जाता है कि काली मिर्च से आगे हटके तो जब जाओगे तभी जाके उसका प्रभाव को समझ पाओगे। अब देश की बात, हमने हर वीडियो में देश के बारे में बोलते हैं या पौधे के बारे में बोलते हैं, तो ये सब चीजों का यही मकसद है कि हमसे हर चीज जुड़ा हुआ है, हर चीज से हम जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप ये सब चीजों का ख्याल करें, अपने अपने घर में वो माहौल हम लोग बना सकते हैं जिससे कि हमें काम करने को ज्यादा जज्बा, समय, पूंजी और पीछे से बैकिंग मिलता रहे, जिससे कि हम काम कर सकें। चाहे अगर एक फीमेल आए हैं उनके पीछे मेल की सपोर्ट चाहिए, मेल के पीछे फीमेल की सपोर्ट चाहिए, एक दूसरे को हम लोग साथ देंगे तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। स्लाइड हम लोग चलाना अभी शुरू करते हैं और यासिका जी आपसे भी हमारी मुलाकात होती रहती है रेयर एंड रेयर, और उम्मीद है कि आप ऐसा ही इन्हें बैकिंग देते रहें जिससे कि ये भी आगे बढ़ते रहे। हर एक इंसान के पीछे कोई ना कोई खड़े रहना चाहिए, जैसे आप देवधामी साहब के पीछे खड़े। मैं इवन अब मैडम के हाथ से भी, जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, कई बार चाय पीने का सौभाग्य मिली है, कई बार हमने शरबत भी पिए हैं, तो मैंने बहुत एक अच्छी चीज आज डॉक्टर साहब से शेयर करा था, डॉक्टर साहब आप जो इतना कामयाब हुए हैं उसके पीछे मैडम की बहुत सपोर्ट है। आज दो दो बच्चे MBBS डॉक्टर हैं, एक MD है, एक आंख के डॉक्टर हैं, दोनों हॉस्पिटल संभाल रहे हैं, और डॉक्टर साहब खुद एक दिन में कुछ ना हो 30-40-50 उनकी OPD है। तो एक जज्बा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होता है जज्बा। हम इसी जज्बा के साथ आज का क्लास शुरू करने जा रहे हैं और अभी स्लाइड्स वगैरह चलाएंगे और इसको भी डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे। लगभग 370 स्लाइड्स पे हमको गुजरना है और उसमें आपको लगभग एक पूरी किताब, एक किताब डमी कॉपी है, अभी ये बन रहा है। मैं कोशिश किया कि बुकलेट की जगह आप लोग तक किताब ही पहुंचा दूं, तो फिर मैं करते 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 ये किताब का शक्ल लेने लग गया। मैं बोला चलो फिर अच्छा किताब बनाते, क्योंकि बुकलेट 40-50 पेज में या 30-40 पेज में ही कंप्लीट हो जाता है, मगर आप खुश हो गए इतना सुंदर किताब बनने लगा है कि मैं बहुत इससे इंस्पायर्ड हुआ। देखो इसकी कलरफुल करके हम लोग बना रहे हैं और ले अभी मैं दूंगा आप लोग के पास, थोड़ी देर का पास भी करूंगा। इसमें आप सीखोगे, जानोगे, इंग्लिश हिंदी दोनों किताब हम लोग बना रहे हैं। इन टाइम अगर हम लोग 2-3 दिन में हो सकता है कि, क्योंकि इसमें करेक्शन मोर देन 2000 है। मैं जब इसको पढ़ना शुरू किया, अरे ये तो 2000 से ज्यादा करेक्शन मांग रहा है, कहीं फोटो की एडजस्टमेंट, कहीं वर्ड की एडजस्टमेंट, कहीं कुछ प्रेस वाले की गलती, कहीं DTB वाले की गलती। तो हम इसको बेहतर बनाएंगे और एक किताब आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आपके पास जो लेगा वो उसको 1000 रुपया पे करना पड़ेगा, यानी ट्रिपल लाइन की कॉस्ट रखा जाएगा, क्योंकि इसकी 170 GSM में बना रहे हैं और बहुत बेहतरीन किताब 4 कलर में बन रहा है। पहला शायद ऐसा एक्यूप्रेशर किताब होगा जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया गया है और पॉइंट को बड़ा बारीकी से, जैसे मैंने वीडियो में भी दिखाता हूं, बड़ा क्लैरिटी के साथ। आपकी मैसेज हमेशा क्लियर एंड क्लैरिटी होनी चाहिए, उसी तरह का किताब भी वही रहेगा। और एक किताब हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, अगर उसके पहले कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो हम उनके घर भिजवाएंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट और बाकी चीजें तो यहां दे दिया जाएगा। जो हाथ की मैप वगैरह है, पैर की मैप है, वो हम लोग अभी बना रहे हैं, वो भी आपको सर्टिफिकेट के साथ ही मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं।